सारे ब्रांड्स के इतने सारे फोन्स लॉन्च हो गए हैं कि हमारे लिए मार्केट में जाके बेस्ट फोन ढूंढना एक सरदर्द बन गया है। अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करते हो कि आपके बजट में कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट है, वहाँ पे भी आपको भर भर के वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन कैसे ढूंढे कि कौन सा फोन हमारे लिए बेस्ट है एंड कौन सा फोन हमारे बजट के अंदर में सबसे अच्छा फोन है? ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, तो फिर ये कौन सी खेत की मूली है? आपका भाई है ना? अच्छा, आपका भाई बताएगा कि हाउ टू चूज द बेस्ट फोन इन योर बजट, वो भी बहुत ही आसान लैंग्वेज में। हमको सिखा रहा है। सबसे पहले आपको देख लेना है डिस्प्ले, क्योंकि जो भी आप मोबाइल में देखोगे वो तो आपके डिस्प्ले में ही देखोगे ना। आपको मार्केट में तीन तरह के डिस्प्ले देखने को मिलेंगे, एक है OLED, AMOLED एंड LCD या फिर IPS। अगर आप मोबाइल में एक अच्छा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो फिर यू कैन गो फॉर द AMOLED डिस्प्ले, जो कि आपको 15 से 20,000 वाले फोन्स में आसानी से देखने को मिल जाता है। आप अगर फोन में ज्यादा वीडियोस, मूवीज एंड वो वाले वीडियोस देखते हो तो ये आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है एंड आपको ज्यादा अच्छा कलर शार्पनेस भी देखने को मिल जाएगा, जो आपके वीडियो एक्सपीरियंस को एक नेक्स्ट लेवल देने वाला है। अगर आपका बजट 10,000 के अंदर है तो फिर उसमें आपको ज्यादातर IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे देगा। एंड डिस्प्ले चूज करते समय आपको और एक चीज ध्यान रखना है कि उसका रिफ्रेश रेट कैसा है फॉर द बेस्ट टचिंग एक्सपीरियंस। 15 से 20,000 वाले फोन ले रहे हो एंड उसका रिफ्रेश रेट 60Hz है, तो फिर भाई जल्दी से वहां से भागो। आपको मिनिमम देख लेना है कि उसका रिफ्रेश रेट 90Hz का हो या फिर उससे ज्यादा हो, तो फिर तो सोने में सुहागा ही हो गया। नेक्स्ट जाने से पहले एक लाइक जरूर कर देना। आज का वीडियो का लाइक एम रखते हैं 50 लाइक्स का, पता है आप लोग कर दोगे ना, प्लीज कर देना। आपको कर्व डिस्प्ले पसंद है या फिर हो फ्लैट डिस्प्ले, आपको जो वाला चूज करना हो वो आप चूज कर सकते हो। अब डिस्प्ले तो हो गया, आप खाते सोते घूमते हकते हर जगह ही फोटो लेते हो, तो फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी अपने कैमरा के ऊपर। आपको मार्केट में 64 मेगापिक्सल से लेकर 200 मेगापिक्सल तक कैमरा देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये मेगापिक्सल जस्ट एक नंबर है, क्योंकि अभी भी आईफोन में बहुत ही कम मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। तो एंड्रॉइड वालों, मेगापिक्सल के पीछे मत भागो, बेस्ट कैमरा चूज करना है, इधर आओ एक जबरदस्त हैक बताता हूँ। आपको पहले देख लेना है कि उसमें OIS है कि नहीं या फिर सोनी का IMX है कि नहीं। अगर उसमें सोनी का IMX सेंसर है ना, तो फिर तो आपका बल्ले बल्ले ही हो गया। अब आते हैं परफॉर्मेंस में। गाड़ी स्टार्ट कर, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको मार्केट में प्रोसेसर ही प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। 10,000 से लेके आप जितना ऊपर तक जाते हो वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के बहुत सारे प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे। मार्केट में दो तरह के प्रोसेसर है, Qualcomm का Snapdragon एंड MediaTek प्रोसेसर। MediaTek में आपको Dimensity सीरीज, Helio सीरीज देखने को मिल जाता है, जहाँ पे Snapdragon का Snapdragon 8 Gen प्रोसेसर एंड Snapdragon 7 Gen प्रोसेसर भी आपको देखने को मिल जाता है, जो 10, 20, 30, 40, 50 हजार वाले फोन्स में अलग अलग आपको देखने को मिल जाता है। कौन सा आपके लिए बेस्ट है, राज वाला बात है, ऐसे ही नहीं बताऊंगा, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो फिर बताता हूँ। सब्सक्राइब कर दिया ना, तो चलिए जानते हैं। उसका अंतुतु स्कोर चेक कर लेना, 15,000 का हो तो 3 से 4 लाख का अंतुतु स्कोर, तो फिर 7 लाख के ऊपर का अंतुतु स्कोर हो तो उसमें आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिल जाएगा। 35 से 40,000 का फोन ले रहे हो तो उसमें मिनिमम आपको 8 लाख का अंतुतु स्कोर होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपके मोबाइल का एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस चाहिए तो फिर उतना तो मिनिमम ही चाहिए। आप ये कैसे चेक करोगे? आप किसी भी यूट्यूबर का अनबॉक्सिंग वाला वीडियो देख लेना। अगर आप लोग भी सपोर्ट करते हो तो मैं भी एक दिन अनबॉक्सिंग वाला वीडियो जरूर लाऊंगा आप लोगों के लिए। अभी तो नहीं ला सकता क्योंकि मैं गरीब हूँ। ये वाला पॉइंट है हमारे प्रो गेमर्स के लिए, क्योंकि अगर आपको नेक्स्ट लेवल गेमिंग एक्सपीरियंस करना है तो फिर आपको 7 लाख के अंतुतु स्कोर से ऊपर वाला फोन ही चूज करना पड़ेगा, कि उसमें आपको नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अब आते हैं हमारे रैम रोम के अंदर, इसमें आपको क्या देखना है भाई, 4GB 64GB का जो वेरिएंट है उसको कह दो आप टाटा बाय 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 टाटा गुड बाय, क्योंकि अगर आप 4GB वाला वेरिएंट लेते हो तो फिर उसमें आपको मल्टीटास्किंग में आपको बहुत ही सरदर्द मिलने वाला है एंड आपको 2 दिन या 3 दिन के अंदर ही स्टोरेज प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। अगर आपका बजट अंडर 10,000 है तो फिर आप 4GB 128GB तक कंसिडर कर सकते हो, लेकिन 64GB बिल्कुल भी नहीं। आपको मिनिमम चूज करना है 6GB 128GB, आजकल 10,000 के नीचे भी 6GB 128GB देखने को मिल ही जाता है। बैटरी मिनिमम 5000
एंड चार्जिंग मिनिमम 33 से लेके 67 वाट तक, इससे ज्यादा आपको डेली यूजर्स के लिए नहीं चाहिए होता है बॉस, फोन ले रहे हो। लेकिन 4G बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि 4G का जमाना तो अब गया, अब जमाना आ गया है 5G का। तो फिर उसमें बैंड N77, 78, 28 ये तीन होना ही चाहिए। अगर ये तीन नहीं है तो आप इंडिया में 5G यूज ही नहीं कर पाओगे। अपडेट की बात करो तो 2 साल का अपडेट एंड 3 साल का मिनिमम सिक्योरिटी अपडेट होना ही चाहिए। अब आप देख लेना कि आपका नीड कौन सा है एंड कौन सा वाला वेरिएंट आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अब बन गए ना आप भी प्रो, तो फिर सब्सक्राइब कर देना यार, करोगे ना।